बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक झटपट बनने वाली पुडिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो मैं बनाऊंगी ब्रेड से। यहाँ पर मैंने ले रखे हैं 4 ब्रेड स्लाइसेस, वाइट ब्रेड जो आती है वो ली है मैंने, और उसे छोटा छोटा, ये देखिए एजिस ने मैंने निकाले, इसके साथ ही छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो ये तकरीबन 4 ब्रेड स्लाइसेस हैं। और जी इसके अलावा देखिए, एक पतीली में मैंने 1 गिलास दूध लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर का है, ना ज़्यादा ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है 1 गिलास। इसमें मैं डालूँगी 1 अंडा, अंडा डाल दिया हमने। इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब पिसी हुई चीनी, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माइक्रोवेव में बना रही हूँ यहाँ पर मैं, माइक्रोवेव को मैंने प्री हीट कर रखा है 10 मिनट के लिए। एक जिसमें बेकिंग ट्रे ले लीजिए, या बेकिंग डिश जिसमें आप बेक वगैरह करते हैं वो डिश लेके, उसमें डाल दीजिए देसी घी 1/2 चम्मच, थोड़ा ग्रीस कर लेंगे उसे। इसके बाद हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे ब्रेड जो हमने तोड़ ली थी, 4 स्लाइसेस लिए हैं मैंने, क्योंकि मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिएगा और फैला दीजिएगा। और इसमें ये मिक्सचर डाल दीजिए। पूरा डिप होना चाहिए, जितने भी ब्रेड है वो इस मिक्सचर में डिप होनी चाहिए। इतना मिक्स कर देंगे, थोड़ा इसको डिप कर देंगे, दबा देंगे थोड़ा, इसको सोक होना चाहिए पूरी ब्रेड दूध और अंडे के मिक्सचर में। ऊपर डाल देंगे खोया, ये होममेड खोया है, घर में रखा था तो मैंने यही यूज़ करा है। दोस्तों अब इसे हम रख देंगे माइक्रोवेव ओवन में। तो हम चॉकलेट डालेंगे ऊपर, गरम गरम में ही डालना है ताकि हल्के से ये मेल्ट हो जाए। जब गरम हो पुडिंग तभी आपको ये चॉकलेट डालनी है। वाइट दोनों का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। अच्छा, चॉकलेट मैंने कितनी ली थी मैं आपको बता देती हूँ। 2 तकरीबन ग्रेटेड ले लीजिएगा, 2 चम्मच तो आप ले लीजिएगा वाइट वाली, और 3 चम्मच ले लीजिएगा ब्राउन वाली। अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट सिरप, ड्रिजल कर दीजिए चॉकलेट सिरप, और डाल देंगे इस पर स्प्रिंकल्स, ये कलरफुल बॉल्स हैं, ये देखिए बाज़ार में मिल जाती है, इसको थोड़ा सा डाल देंगे ताकि जब बच्चा देखे तो झटपट से इसे फिनिश कर ले। देखिए दोस्तों ठंडा हो चुका है, 1/2 घंटा लगा इसे ठंडा होने में। इससे मैं आप इसको, इसकी कटिंग करके आपको बता रही हूँ। देखिए बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बिल्कुल अच्छे से, ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो लीजिए बनकर रेडी है क्विक एंड इजी ब्रेड पुडिंग। बहुत झटपट बनने वाली थी ये डिश, लेकिन इसको बेक होने में मैं आपको बता देती हूँ कितना टाइम लगा। इसे बेक होने में लगे हैं तकरीबन 25 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो गई है। पहले मैंने 20 मिनट इसे बेक किया, फिर मुझे हल्का सा ऊपर कलर नहीं आ रहा था, सिर्फ कलर लाने के लिए मैंने 5 मिनट और सेट कर दिया था टाइमिंग, और ये अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट में ये बिल्कुल रेडी था। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह मैंने इसकी डेकोरेशन की है। तो आप भी बस जल्द झटपट जाइए किचन में और ट्राई कीजिए ये रेसिपी, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आपके बच्चों को कैसी लगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाएँ और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे ऐसी एक क्विक एंड ईजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।